शंभु जय श्री कृष्णा राधे 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 गुड मॉर्निंग। मैंने नहा लिया है, सबको अपना ड्रेस दिखा दो। कैसा लगा कैसा लगा मेरे बच्चों का ड्रेस? वाओ बहुत अच्छा है। दीदी कहाँ गई है? स्कूल गई है। ओ लग गई। गुड मॉर्निंग। वैसे तो अभी 12 बज रहे हैं, बहुत देर में ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आधा स्कूल गई, आधा का आज एग्ज़ाम है जीके का। आधा का एग्ज़ाम का टेस्ट ही है, एग्ज़ाम टेस्ट वाले, और उसकी पूरी क्लासेस भी चलेंगी। वो 1 बजे तक घर आएगी। मैंने इसको नहला दिया, अभी 12 बज रहे हैं और मैंने वॉशिंग मशीन भी लगाई है। आज सुबह आधा जब जाने वाली, तब एकदम तूफान सा आया था, मैं खुद डर रही थी। उसके बाद फिर ये भी स्कूल जाने वाले थे, आज ये करीबन 6:45 तक निकल गए, 7 से पहले ही निकल गए थे। और उसके बाद फिर आधा निकल गई थी 7:15 पर, तो आधा 1 बजे ही आएगी। अभी क्या है, हमें जा रही खाना बनाने। बहुत ऐसा सोच रही थी, बहुत शान रहो कि मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो एक्चुअली क्या है, आज रात को हम रात को क्या, आज शाम को हम लोगों को एक शादी में जाना है। तो मैं सोच रही हूँ आज जाऊँगी तो मैं वीडियो थोड़ा बहुत बनाऊँगी, तो मैं शेयर करूँगी आप लोग साथ में। तो एक शादी में जाना है और आप लोगों को भी लेके चलूँगी। तो उसके लिए मैं क्या पहनूँ ये सब डिसाइड करना है अभी मुझे, निकालना है। हाँ, और दक्ष के कपड़े भी निकालने हैं, आद्या के निकालने हैं, आधे पापा तो वही पहन जाएंगे जो पिछली बार पहन गए थे। और आज ना ये टिफ़िन में अपने नमकीन पूरियाँ लेके गए हैं। मंडे वाला जब दिन होता है ना, स्कूल शुरू होता है, तो ऐसा लगता है कुछ जल्दी से बना लो, मन नहीं करता है ना उठने का ना कुछ। तो फिर मैं उठी और फिर नमकीन पूरियाँ बनाई, तो ये भी लेके चले गए। तो ये स्कूल से आएंगे तो कह रहे थे मैं ऐसा कुछ खाऊंगा नहीं क्योंकि मुझे भूख नहीं लगी होगी। तो देखते हैं, मैंगो शेक वगैरह बना दूँगी। कहाँ था बाबू, मैंगो शेक वगैरह बना दूँगी तो ये पी लेंगे। और मैं अपने लिए जा रही हूँ तहरी बनाऊंगी, मटर पड़ी हुई है ना फ्रोजन वाली, तो मैं तहरी बनाऊंगी। मैं खाऊंगी, दच्चू खाएगा, आधे आ जाएगी तो वो भी खा लेगी, इनको तहरी वहरी पसंद नहीं है ज़्यादा। अच्छा मिला बहुत चौ, दिखा दो ये दिखा रहा है, ये दूरबीन है। ऊपर अंकल अपने स्टोर रूम में कबाड़ा साफ कर रहे थे तो उसी में निकला था, तो उसको दे दिया, अब से ही खेल रहा है। तो बस चलते किचन में काम करते हैं, मुझे थ्रेडिंग करवानी है। देखो पता नहीं आज जा पाऊंगी कराने के लिए, कल संडे था मैंने नहीं कराई, मेरी बेवकूफ़ी था ये, मैं कल ही करा लेती तो सही रहता। तो अभी जा रही हूँ खाना बनाने फटाफट से, फिर कपड़े धुलूँ फैलाऊँ। बारिश भी शुरू हुई थी आज, बहुत जोर बारिश हुई थी, बंद हो गई। मतलब हर 10 मिनट बाद बारिश होती है, फिर धूप निकल आती है, बारिश हो रही है धूप निकल रही है। मौसम पता ही चल रहा है ये मई वाला है, ऐसा लग रहा है वही जनवरी फरवरी वाला मौसम है, ठंडा ठंडा वाला। आप लोगों का वेदर कैसा बताना, वैसे तो हर जगह का वेदर यही हाल हो रखा है। मतलब मुंबई जैसे शहर में भी ठंड पड़ रही है इस टाइम मई में। वाह, मई में तो भैया तपते हैं लोग, बस इस बार ठंड। गाइस बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जब भी मैं दक्ष को नहलाने वाला वीडियो डालती हूँ या फिर जब नहला कर उसे तैयार कर रही होती हूँ, तो बहुत ऐसे मम्मियाँ हैं जो कमेंट करती हैं कि आप अपने बेबीज के लिए कौन सा साबुन या कौन सा बॉडी वॉश कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हो। तो मैंने कई बार बताया है, इस बार फिर बताने जा रही हूँ क्योंकि मैंने ये फिर से एक नया मंगवा लिया है। मैं यूज करती हूँ ये मामा अर्थ का मिल्की सॉफ्ट बाथिंग बार फॉर बेबीज। इसमें है ओट्स मिल्क एंड कैंडुला, जो कि
एकदम नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। ममा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो डर्मोटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं, मेड सर्टिफाइड होते हैं एंड आप इनको 0 साल से बच्चे के लिए भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। यानी आपका जो न्यू बॉर्न बेबी है, नवजात शिशु, आप उसको भी इसे लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके मेन इंग्रेडिएंट की, जो कि है ओट्स, मिल्क एंड कैंडुला। ओट्स जो है वो बॉडी में मॉइस्चराइज मेंटेन करने में हेल्प करता है, और जो कैंडुला है वो आपके बेबी के स्किन को सूद करता है एंड डीपली नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो है मिल्क प्रोटीन, जो कि आपके बेबी के स्किन में प्रोटीन्स के साथ साथ आपकी बेबी के स्किन को हाइड्रेट करता है, जेंटली सॉफ्ट बनाता है। एंड इसमें एक इंग्रेडिएंट और भी है जो कि है सिट्रिक एसिड, जिससे आपकी बेबी की स्किन ऑप्टिमम एचपी लेवल मेंटेन रहती है। सो गाइस, आप भी इसे बाय कर सकते हो। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो इसे बाय करना चाहते हो तो मेरा जो कूपन कोड है जो स्क्रीन पे दिख रहा है, आप ये यूज कर सकते हो ममा अर्थ की वेबसाइट पे एंड ऐप पे। मैं आपको ममा अर्थ की वेबसाइट एंड ऐप दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ममा अर्थ ने अपना खुद का एक ऐप भी लॉन्च किया है, जिसको आप डाउनलोड करेंगे तो आपको वहां पर आने वाली नई नई अपडेट, नए नए ऑफर्स हैं वो अपडेट मिलती रहेगी। एंड गाइस, ममा अर्थ एक इंडियन ब्रांड है और हमें अपने इंडिया के ब्रांड को सपोर्ट करना चाहिए। ममा अर्थ जितना भी प्लास्टिक यूज करता है उतने उससे कई अधिक प्लास्टिक रीयूज करता है। और गाइस, एक सबसे अच्छी बात मुझे ममा अर्थ की ये लगती है कि ममा अर्थ से जब भी हम कोई प्रोडक्ट बाई करते हैं तो ये उस प्रोडक्ट से लिंक होता हुआ एक ट्री प्लांट करते हैं, जिसकी जियो लोकेशन एंड उसकी सारी डिटेल हम तक पहुंचाते हैं। अगर आप भी ममा अर्थ का ये प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं तो आपको ये ममा अर्थ के ऐप पे एंड ममा अर्थ की वेबसाइट पे तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ ये आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नायका, पर्पल, फर्स्ट क्राई पे भी अवेलेबल हैं। और एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज ये है कि इनके प्रोडक्ट आपके नियर जो शॉप है उस पे भी अवेलेबल हैं। आप लोग ने अगर कभी भी देखा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ममा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो हार्मफुल केमिकल फ्री हैं, डर्मोटोलॉजिकली टेस्टेड है, मेड सर्टिफाइड है। डेफिनेटली हम इन पे भरोसा कर सकते हैं क्योंकि ये बच्चों से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं। बच्चों की स्किन इतनी सॉफ्ट एंड डेलिकेट होती है कि उस पे हमको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। तो गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक कर लेना। ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो तहरी बन गई है। अभी मैं इसको थोड़ा सा हिलाकर चलाकर और 2 मिनट के लिए ढक्कन फिर से लगा देती हूँ तो ये एकदम खिली खिली सी हो जाती है। और बस इसको प्लेट में निकाल लेंगे। मैं और दक्ष हम दो ही लोग हैं तो बस थोड़ी सी बचा देंगे आधा के लिए, बाकी की मैंने और दक्ष ने ले ली है। और यहाँ पे रख लूँगी थोड़ा सा दही, और दक्ष को अलग एक कटोरी में दही चाहिए क्योंकि उसे दही बहुत ज़्यादा पसंद है अलग से खाना, तो मैं उसको अलग से एक कटोरी दही दे दूँगी। ये सिम मैंने अपने लिए लिया है और एक कटोरी अभी दही मैं दक्ष को दूँगी। और थोड़ा सा घी भी डालूँगी क्योंकि बिना घी के तो अच्छी लगती नहीं है तहरी। और किस किस को ये तहरी पसंद है बताना। मटर की तहरी मुझे बहुत अच्छी लगती है, आलू और मटर की। मैं इसमें और चीज़ें तो नहीं डालती, बहुत से लोग गोभी वगैरह बहुत कुछ तो डालते हैं। आप लोग भी आ जाइए खाने। ये रही तहरी, ये रहा दच्छू, ये रही मैं। कभी कभी कैमरा बहुत गंदा हो जाता है किचन में, जब काम करो ना कैमरा वगैरह लगाओ तो कैमरा मतलब उसका जो लेंस है ना वो गंदा हो जाता है। लो दच्छू, इसको दही बहुत पसंद है। देखो ये दही से खा रहा है, मैं भी दही से खा रही हूँ क्योंकि इसने स्पेशल अपने लिए अलग कटोरी में दही लिया है और मैं खा रही हूँ, उसको खिलाती जा रही हूँ। हाथ से खाना किस किस को अच्छा लगता है बताना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है हाथ से। कढ़ी चावल हो, दाल चावल हो, तहरी की खिचड़ी हो, मुझे खिचड़ी तो अभी चम्मच से खा लेती हूँ। आ आ क्या, हाँ मुझे नहीं खिलाया ऐसे, तो अच्छू खिला रहा है तो खिला। आ हाँ मम्मा खिलाए, लो खिला दे मम्मा, लो खा जल्दी। अच्छा ऐसे वाला, ये मुझे खिलाएगा मैं इसे खिलाऊँ। ठीक है, हैप्पी। चलिए खा लेते फिर मिलते हैं। सो बस खाना वगैरह खाने के बाद फिर मैंने बहुत सारे कपड़े भी धुले थे, वो भी मैंने फैला दिए हैं और आई थिंक सूखने वाले हैं थोड़ी देर में। शाम का टाइम है, कपड़े सारे उतार के रख लिए थे। उसके बाद मुझे एक शादी में जाना था तो मैं तैयार हो गई हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। पिछले से पिछले वीडियो में जब मैं शादी में गई थी तो लोगों उसमें से एक लोगों ने कमेंट किया मुझे कि आप शादी में गई नहीं है, अब जा नहीं पाई हैं या नहीं तो आप ज़रूर बाहर का दिखाते। तो अगर आपको यकीन ही नहीं हो रहा है तो मैंने बताया था ना कि मैं वहाँ पर कुछ भी वीडियो नहीं बनाई थी, कुछ भी कैप्चर नहीं किया था, लेकिन उन्होंने बोला कि आप जाते टाइम तो शूट कर लेते। मैंने रील्स बनाई है जाते टाइम की, आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो में देख सकती हैं।
मुझे इंस्टाग्राम पर भी देख सकती है। मैंने जाते टाइम पे बाइक पे बैठे हुए रोड पे जा रही हूँ, साड़ी पहने हूँ यही वाली, मैं मेरे हस्बैंड सब लोग हैं उसमें, तो उस रील में उस शॉर्ट वीडियो में मैंने दिखाया है। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो, मतलब मुझे ये नहीं विश्वास हो रहा है कि आप कैसी मेरी फैमिली हो, मेरी यूट्यूब फैमिली हो, तो आपको सब कुछ मैं बताती हूँ। सो गाइस, कैसी लग रही हूँ मैं बताना जरूर। मैंने ना थोड़ी नथ भी अपनी चेंज कर ली है, ये वाली पहन ली है ना। अब बताओ दोस्तों कैसी लग रही हूँ मैं, फटाफट से कमेंट करके। ये निकल के नीचे मैं भी जाती हूँ और वहाँ पर थोड़ा मोड़ा सूट करती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं शादी में और अंदर जा रही हूँ मैं। और यहाँ पे बस अभी स्टार्ट हुआ ही था, कुछ लोग नाश्ता वगैरह कर रहे थे, कुछ लोग ऐसे ही घूम रहे थे। ये रही आध्या, आध्या को मैंने ये येलो वाला ड्रेस पहना दिया है क्योंकि वो कह रही थी मैं वही पहन जाऊंगी, मुझे यही सबसे अच्छा लगता है जो पहले पहन के गई थी, पर मैं नहीं साड़ी पहनी, मैंने ये वाला सूट पहना। एंड एक बात और बताना चाहती हूँ, इस सूट के बारे में इतना लोगों ने पूछा है, इंस्टाग्राम पे भी लोगों ने मुझसे लिंक्स मांगा है। ये मैंने अमेजोन से लिया है एंड 1200-1300 के अंदर अंदर का ये सूट है। सबसे पहले जाते ही मैंने नाश्ता लिया, बच्चों को दिया, इसे लॉलीपॉप बोलते हैं, तो बस वही लिया हम लोगों ने, वो खाया पहले थोड़ा एक एक करके, फिर इन्होंने अपने लिए चाट बनवा ली, मेरा चाट वाट खाने का मन नहीं था, फिर डोसा था तो फिर मैंने डोसा लिया, मैंने डोसा और कोल्ड ड्रिंक भी ली, फिर थोड़ा मैंने डोसा खाया, फिर दक्ष को खिलाया, फिर नाश्ता वगैरह किया यहाँ पे। मतलब जब मैं आई हूँ तब यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, मतलब लोग आ रहे थे धीरे धीरे, तो इतना ज़्यादा नहीं लग रहा था, मुझे भी अच्छा लगा कि हाँ ठीक है जल्दी से आ गई। उसके बाद फिर हम लोग इस तरफ आए, इस तरफ फ्रूट चाट वगैरह वगैरह लगे थे, जो के लिए बलून्स का था ऑप्शन, तो दख के लिए एक बलून लिया गैस वाला, उसे बड़ा मज़ा आ रहा था उड़ाने में। आद्या भी बहुत एक्साइटेड हो रही थी। एंड यहाँ पे फ्रूट चाट खा रहे हैं दक्ष और आद्या, आद्या खिला रही है दक्ष को और इन्होंने भी खाया था। तो यहाँ पे भी मैंने एक कोल्ड ड्रिंक पी थी क्योंकि बड़ा गर्मी सी लग रही थी, जब कभी जब कहीं भीड़ वाली जगह पे आओ ना तो बहुत गर्मी सी लगती है। उसके बाद सेल्फी पॉइंट भी बना हुआ था, मैंने एक रील भी डाली हुई है इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे वो वाला नहीं आजकल चल रहा गोल 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 का कैमरा लगा लेते हैं और फिर घूमता है, तो उसी पे मैंने, मेरे हस्बैंड ने, बच्चों ने, सबने बनाया, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ये जो दिख रहा चक्रा सा चक्रा चक्रा घूमता है, तो फोटोज़ की क्लिक की कुछ, और उसके बाद हम लोगों ने रील वगैरह बना ली और इंस्टाग्राम पे डाली है, आप लोग देखिएगा। यूट्यूबर प्रियंका पाटकर है मेरी इंस्टाग्राम आईडी, अगर आप लोग फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चैट करनी है मुझसे, बात करनी है, कुछ क्वेश्चन करने हैं आप वहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे बच्चों के लिए ये वाला भी था, तो आद्या जा रही थी उसकी ड्रेस उसको करने नहीं दे रही थी, तो फिर आद्या चली आई थी वापस। एंड यहाँ पे इसमें बीच में एक छेद भी था जिसकी वजह से ये सही से टाइट नहीं फूला था, तो बस वहाँ से फिर निकले। एंड बहुत मज़ा आया शादी में। उसके बाद अभी लड़के की शादी थी, बारात आनी बाकी थी, तो तब तक फिर हम लोग अंदर जाके बैठे, ये स्टेज पूरा खाली था, डीजे चल रहा था, तो फिर डीजे में आध्या का एकदम मन हुआ, बोली मम्मी मुझे थोड़ा सा डांस वांस करना है, तो मैंने कहा चलो 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 तुम्हारा थोड़ा सा वीडियो भी बनाते हैं, डांस भी कर लेना, उसको बहुत शौक है डांस वगैरह करने का। देन वो डीजे फिर गई, उसने खूब सारा डांस किया, मस्ती की, एंड मैंने उसको थोड़ा सा कैप्चर किया है, तो यहाँ पे आध्या अध्यक्ष दोनों लोग मस्ती डांस, और बच्चे थे वो भी कर रहे थे। अब स्टेज खाली पड़ा हुआ है क्योंकि अभी तो बहुत टाइम है थोड़ा सा, देन खाना वगैरह भी वो खुला नहीं है, थोड़ी देर में खुल जाएगा। और गाइज यहाँ पे हम लोग आ गए जहाँ खाना लगा हुआ था मेन्यू में, तो ये देखिए पंजाबी ढाबा टाइप का कुछ बना रखा है, दो खटिया डली हुई है, खटिया पे बैठ के खाओ मस्त पंजाबी स्टाइल में। फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया था, बस थोड़ी देर में ओपन होने वाला है, खा पी के फिर हम लोग यहाँ से चले गए थे। तो गाइज बस इतना सा था व्लॉग, जो लोग जिनकी शादी थी जिनके यहाँ आए थे उनको मैंने नहीं दिखाया है एज ए प्राइवेसी, एंड मैं उनसे मिली, सब कुछ हुआ, उसके बाद फिर हम लोग घर आए वापस। तो गाइज ये था आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया हो, और यकीन किया कीजिए हम पर, झूठ क्यों बोलूँगी कि मैं शादी में गई और गई नहीं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, ऐसे ही बहुत सारा प्यार देती रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।